हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो है लार्जेस्ट ग्लैंड जो लीवर होता है उसके बारे में बता दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोगों को आज जो है दूसरा जो ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ना है, जिसको जो है पैंक्रियास कहते हैं, जिसको पैंक्रियास, जो पैंक्रियास है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए कि ये जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। देखिए एक बात और बता दें, ये जो पैंक्रियास है ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। बात को समझिए, अब ये सुन करके थोड़ा ताजुब हो गया होगा, ये जो है बार बार मेरा कहना है कि ये सोच रहे होंगे कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो अभी मैं बता रहा हूं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या इसी को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। देखिए एक बात बता दें, जो ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन होते हैं, बट ये ऐसा ग्लैंड है जो हेट्रोक्राइन है या मिक्स ग्लैंड है, मतलब ये दोनों तरह का है ग्लैंड है। ये ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड। वेरी इजी, बहुत इजी है। देखिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो जो है आपका हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ये क्या इंडोक्राइन ग्लैंड हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, ये जो है हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। तो अब सोचिए ये जो पैंक्रियास है ये आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसीलिए कहने का मतलब यही एक ऐसा ग्लैंड है जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, तो ये पैंक्रियास होता है। तो मतलब पैंक्रियास दोनों तरह का फंक्शन करता है, एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है। देखिए ऐसा है कि जो इसके अंदर पैंक्रियास के अंदर जो है पैंक्रियाटिक जो है एकिनी पैंक्रियाटिक एकिनी सेल्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियास के अंदर पैंक्रियाटिक एकिनी सेल्स पाए जाते हैं, जिन जो नियर अबाउट 99% जो है पैंक्रियास का 99% पैंक्रियाटिक एकिनी सेल होते हैं, और यही जो है आपका एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, यही सेल एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, ये जो है एंजाइम का पैंक्रियाटिक एकिनी जो सेल है ये सिक्रीट एंजाइम। बात समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो है समझिए। अच्छा इंडोक्राइन ग्लैंड जो देखिए पैंक्रियास के अंदर जो है इजलेट ऑफ लैंगर हैंस पाया जाता है, इजलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इजलेट ऑफ लैंगर हैंस हम आपसे बार बार कहेंगे, इसको जो है एकदम याद रखिएगा कि
जो देखिए ये 1% पाया जाता है, ये कितना पाया जाता है 1, इसका मतलब देखिए 99% पैंक्रियास का जो है पैंक्रियाटिक एक्नी सेल होता है और 1% जो होता है इजलेट ऑफ लैंगर, इजलेट ऑफ लैंगर हाइंस होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है यही इजलेट ऑफ लैंगर हाइंस जो है यही हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, यही हार्मोन का सिक्रीशन। तो सिक्रीट हार्मोन। तो देखिए मैं इसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें आपको बताएंगे कि ये जो पैंक्रियाटिक एक्नी सेल है सिक्रीट एंजाइम, तो कौन कौन एंजाइम सिक्रीट करता है इसके बारे में हम उस समय बताएंगे। बट चूंकि इसी चैप्टर में इसका जिक्र होगा इसलिए यहाँ पर इसको जो है आगे के वीडियो में पता लगेगा आपको। दूसरा जो है इजलेट ऑफ लैंगर हाइंस जो है सिक्रीट हार्मोन। तो देखिए एक बात बता दें, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ये इजलेट ऑफ लैंगर हाइंस में ये सब भी इजलेट्स ऑफ लैंगर हाइंस में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ये डेल्टा सेल्स ये सब पाए जाते हैं। और ये जो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल है ये सब जो है हार्मोन का सिक्रीशन, ईटीसी। जब मैं आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा। तो जैसे अल्फा सेल जो है आपका ग्लूकेगान नामक जो है हार्मोन सिक्रीट करता है। बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट करता है। मैं बार बार कहूंगा कि आप लोगों को ये जानना पड़ेगा एजी बीड्स फॉर पप्पी के लिए, पप्पी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक पति अपने पत्नी से कह रहा, पत्नी अपने पति से कह रही है एजी आप हमको पप्पी लेना चाहते हो तो बोली लगाइए, कितने में बोली लगाइए, एजी बीट्स पर पप्पी के लिए बोली लगाइए। तो ए मतलब अल्फा सेल और जी मतलब ग्लूकेगान, बी मतलब बीटा सेल, ये आई मतलब इंसुलिन, डी मतलब डेल्टा सेल, यस मतलब सोमैटोस्टैटिन। तो मैं बार बार आपसे कहूंगा, देखिए बार बार मैं आपसे कहूंगा कि ये सारी चीजें बाद में बताया जाएगा, इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। ईटीसी मैं लिख दिया हूं, अभी एफ सेल क्या सिक्रीट करेगा वो सारी बातें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में की जाएगी, बट एजी बीड्स फॉर पप्पी के लिए। तो देखिए एजी बीड्स का हमने यूज किया, ए मतलब एजी, ए अल्फा सेल, जी मतलब ग्लूकेगान, बी मतलब बीटा सेल, आई मतलब इंसुलिन और डी माने डेल्टा सेल और यस माने सोमैटोस्टैटिन, ये हार्मोन का नाम है। तो बच्चे लोग इसके लिए घबराइए मत, यहाँ बस इतना लिख देंगे पैंक्रियास के बारे में तो सफिशियंट होगा, क्या होगा सफिशियंट होगा। तो ये आपका पूरा जो है पैंक्रियास हो गया, क्या हो गया पैंक्रियास के बारे में हो गया। तो पैंक्रियास का अब हम आपको थोड़ा सा फंक्शन बताना चाहते हैं। मान लीजिए पैंक्रियाज आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखेंगे, तो जो पहला फंक्शन सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। दूसरा जो है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ
हार्मोन, ये इसका फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन हो गया सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, तो दिस इज योर फंक्शन ऑफ पैंक्रियास। तो पैंक्रियास के बारे में हमने जितना बताया उसको आप जो अगर आ गया बोर्ड में तो आप जो है लिख के चले आइए। तो पैंक्रियास के बारे में एक दो मिनट, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, दिस इज द, अच्छा ये शेप जो है इरेगुलर होता है, इरेगुलर, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, कोई बात नहीं है, इरेगुलर शेप अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हाँ, तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, दूसरा जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड कहलाता है। हेट्रोक्राइन का मतलब हो गया ये एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो एंजाइम का सिक्रीट करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन का सिक्रीट करते हैं। ये जो है इसके अंदर जो है पैंक्रियाटिक एक्टिनी सेल्स पाए जाते हैं, जो 99% मैक्सिमम सेल्स जो है ये पैंक्रियाटिक एक्टिनी सेल्स होता है जो सिक्रीट एंजाइम, एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रीशन करता है उसके अंदर इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि 1% होता है, और इसके अंदर भी जो है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल पाए जाते हैं। जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागन नामक हार्मोन, बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके लिए मैंने कोड बताया था एजी बिड्स फॉर पप्पी के लिए, एजी बिड्स फॉर पप्पी के लिए। तो मैं बार बार आपसे कहूंगा, इसके बाद फंक्शन, तो फंक्शन इसका ये है कि सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड तीसरा जो है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। तो ये रहा आपके पैंक्रियास के बारे में, ये रहा आपके पैंक्रियास। तो पैंक्रियास इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड है, कोई ऐसा ग्लैंड नहीं है जो मिक्स ग्लैंड हो, ये मिक्स ग्लैंड है, ये जो है मिक्स्ड ग्लैंड है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब हम लोग अगला आइटम पढ़ेंगे, डाइजेशन इन बकल कैविटी। अब हम डाइजेशन शुरू करेंगे, डाइजेशन इन बकल कैविटी, बकल कैविटी। देखिए आपको ये बकल कैविटी पढ़ाते समय डाइजेशन इन बकल कैविटी। देखिए हम आपको जब बकल कैविटी पढ़ा रहे थे तो मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैंने बताया था कि उसमें सेलेवरी जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है? अच्छा, सेलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। देखिए ग्लैंड से ही एंजाइम निकलते हैं, तो सेलेवरी ग्लैंड हमने बताया था अच्छी तरह, तो सेलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। इसके अंदर जो है सेलेवरी ग्लैंड से सेलेवरी जूस निकलता है, और इस सेलेवरी जूस में ही एंजाइम होते हैं। बताया था, उस समय भी बताया था, सबसे पहला जो एंजाइम है वो टाइलीन नामक था। क्या था? टाइलीन नामक एंजाइम था। मैं बार बार आपसे बताया था ये मतलब पहला एंजाइम जो कि आपका टाइलीन नामक एंजाइम था, टाइलीन, इसी को सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज इसका दूसरा नाम है एमाइलेज। तो हमारे कहने का मतलब ये देखिए टाइलीन या सेलेवरी एमाइलेज, तो ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम पहला था, इसके बाद हमने बताया था कि लाइसोजाइम दूसरा एंजाइम था बताया था मैं, यहां तक मैंने बताया था। तो देखिए ऐसा है, ये जो टाइलीन नामक एंजाइम है ये क्या करता है,
देखिए स्टार्च को, स्टार्च को वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्च को ये जो टाइलिन है आप समझिए, स्टार्च को ये जो टाइलिन है ये माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टार्च को टाइलिन जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ये इसका फंक्शन है। इसीलिए इसी माल्टोज की वजह से जो हम जब भोजन को चीविंग करते हैं तो मीठा लगने लगता है। आपको भोजन जब चीविंग करते हैं तो उस समय मीठा लगने लगता है, भोजन आपका स्वीट लगने, थोड़ा सा मीठापन आता है, इसी माल्टोज, ये इसी एंजाइम के जो है कारण, ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज जो है, अब आप कहेंगे कि सर स्टार्च भी तो मीठा चीज है, नहीं, माल्टोज का जो स्वीटनेस है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो है हमारा भोजन जो है फूड जो है हमारा मीठा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, ये जो लाइसोजाइम है वो टू किल द वेरी इंपॉर्टेंट, टू किल द जर्म किसमें का भाई, ये किस जर्म को मारते हैं, जो माउथ में जर्म होते हैं, और फूड तो माउथ और फूड के जो जर्म होते हैं, माउथ एंड फूड, तो माउथ और फूड के अंदर जो जर्म है उसको किल कर देता है, ये लाइसोजाइम का फंक्शन है। तो मैं बार बार कहूंगा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज है जो टाइलिन नामक एंजाइम है जो कि स्टार्च और टाइलिन जो है उससे जो है रिएक्ट करके और माल्टोज में बदल दिया, और जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम है वो टू किल द जर्म किसमें, माउथ एंड फूड, तो माउथ और फूड के साथ जो भी जर्म आए हैं उसको वो मार देता है, उसको वो मार। तो ये रहा डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, सॉरी इन छूट गया है, तो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। अब हमको पढ़ना है डाइजेशन इन ओसोफेगस। देखिए बक्कल कैविटी के बाद हमारा फूड कहां जाता है, ओसोफेगस में, तो डाइजेशन इन ओसोफेगस। देखिए ओसोफेगस में डाइजेशन अगर होगा तो निश्चित है इंजाइम जो है सिक्रीट होगा, तो नो इंजाइम सिक्रीट इन ओसोफेगस। अब आप समझिए जब कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता तो इसका मतलब नो एनी डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओसोफेगस। मैं बार बार आपसे कहूंगा दिस इज वेरी वेरी इजी, तो ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। अब हम लोगों को पढ़ना है डाइजेशन इन स्टोमक वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेशन। अब हमारा जो फूड कहां पहुंचेगा, स्टोमक में कहां पहुंचेगा, डाइजेशन इन स्टोमक वेरी इंपॉर्टेंट स्टोमक। देखिए डाइजेशन इन स्टोमक दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टोमक में जो फूड पहुंचता है त्यों स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए, ये भी मैं बता चुका हूं बट यहां बताना जरूरी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने बताया था इस ग्लैंड में एक चीफ सेल होता है, चीफ सेल्स, और दूसरा पेराइटल सेल होता है, दूसरा क्या होता है पेराइटल सेल्स। तो ये जो पेराइटल सेल चीफ सेल्स जो है ये क्या करते हैं,
इंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, क्या करते हैं, इंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, और ये पेराइटल सेल बताया था मैं, यह सीएल का सिक्रीशन एंड म्यूकस का एंड म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, यह सीएल और म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब देखिए चीफ सेल जो है इंजाइम का सिक्रीशन करता है, इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले पेराइटल सेल या सीएल का सिक्रीशन करता है। ऐसा है, देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, फंक्शन ऑफ ए सीएल बोर्ड में बहुत आता है, फंक्शन ऑफ एच सी एल दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है भाई, बात समझिए, उसके अंदर एच सी एल भी होता है, तो एच सी एल का क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन आप याद करिए, हमारा जो फूड आ रहा है एच सी एल का नेचर क्या होता है, एसिडिक, तो इस फूड को एसिडिक बनाना, एसिडिक फूड को क्या करता है, वो एसिडिक बनाता है, फूड को क्या बनाता है, एसिडिक किसको बनाता है, फूड को। तो देखिए फूड को एसिडिक बना दिया, अच्छा अब आप पूछेंगे फूड को एसिडिक बनाने से क्या फायदा है, जो इसके इंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करते हैं, इसलिए यह सीएल का जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एसिडिक बनाना जो फंक्शन है दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकंड जो है टू किल द जर्म्स। देखिए मान लीजिए फूड के साथ एक तो वहां पर लाइसोजाइम ने किल किया था, लेकिन कुछ जर्म अगर अभी भी बच गए हैं तो यह सीएल जो है उसको किल करता है, टू किल द जर्म। और ये बात और बता दें, जो ये सीएल है ये वेरी वेरी डाइल्यूट होता है, ये मत सोचिएगा कि बहुत कंसंट्रेटेड होता है। तो देखिए तो टू किल द जर्म, जर्म को किल कर देता है। अच्छा इसके अलावा तीसरा फंक्शन है, जो मान लीजिए आपने कोई सॉलिड मैटर खा लिया, तो सॉलिड जो मैटर है उसको क्या करेगा, वो डिजॉल्व कर देगा, सॉलिड मैटर। देखिए बहुत लोगों की आदत होती है, अब बहुत आदत ना भी है तो कभी कभी फूड के साथ आप देखते होंगे स्टोन दांत में पड़ता, उसके बाद वो अंदर चला गया मान लीजिए, तो उसको वो गला देगा। मान लीजिए बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि जो चिकन या मीट जो भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, तो उसके जो कांटे होते हैं उन सबको खा जाते हैं, बोन पार्ट को भी खा जाते हैं, तो वो इसको गला देता है, डिजॉल्व कर देता है, गला देता है। ये बहुत बड़ा फंक्शन है, तो मेरे कहने का मतलब डिजॉल्व द सॉलिड मैटर। इसके अलावा जो है ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फूड है वो फूड को जो है सड़ने से बचाता है। फूड जो है, देखिए जो स्टोमक में फूड गया है वो कई घंटे तक रहता है, तो उसको सड़ने से बचाता है। और जो फिफ्थ फंक्शन है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें जो इंजाइम सिक्रीट होते हैं वो पेप्सिनोजेन। तो देखिए पेप्सिनोजेन, अब देखिए पेप्सिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है,
अब बताइए पेप्सिनोजेन इंजाइम है, ये क्या है? इंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। अब बताइए इनएक्टिव फॉर्म में है तो कहां से डाइजेशन कर पाएगा? तो यही एससीएल, यही एससीएल इसको पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्सिन में, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस प्रॉपर्टी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला फंक्शन यहां लिख देते हैं, छठवां जो है प्रोरेनिन, 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 प्रोरेनिन जो दूसरा एंजाइम है। देखिए यहां पर पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन दो एंजाइम हमने बताया, दो एंजाइम। देखिए चीफ सेल के द्वारा जो सिक्रीटेड है वो दो एंजाइम का फिलहाल नाम हम बता चुके। तो प्रोरेनिन जो है गैस्ट्रिक जूस में पाया गया, तो प्रोरेनिन इज आल्सो इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। अब बताइए तो क्या ये भी डाइजेशन कर पाएगा? नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में जो है डाइजेशन नहीं करते। तो एससीएल क्या करता है? ये जो एससीएल है, यहां पर एससीएल लिख दीजिए, एससीएल क्या करता है? इसको रेनिन में बदल देता है, रेनिन। और रेनिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है, रेनिन क्या है? एक्टिव फॉर्म। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे फंक्शन ऑफ एससीएल, फंक्शन ऑफ एचसीएल, वेरी वेरी इजी। ये मत सोचिएगा कि थोड़ा भी, तो मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट करता हूं, एसिडिक। अच्छा एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, ये बता भी चुका हूं कि जो स्टोमक में फूड होता है, स्टोमक में जो फूड होता है वो काइम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? काइम। ये बता चुके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम को एसिडिक कहेंगे। क्यों एसिडिक बनाता है भैया? ये जो पेप्सिन है एसिडिक फूड को ही जो है रिएक्शन करेगा, उसी पर अपना फंक्शन करेगा। बात समझिए, इसको एसिडिक मीडियम चाहिए, रेनिन को एसिडिक मीडियम चाहिए। तो इसका मतलब पहला फंक्शन कि जो है मीडियम को कन्वर्ट करता है ये एसिडिक, ठीक है। दूसरा टू किल द जर्म, जर्म को मारता है। तीसरा डिजॉल्व द सॉलिड मैटर, कोई सॉलिड मैटर आपके पेट में आपके स्टोमक में चला गया है उसको डिजॉल्व करता है, फूड को सड़ने से बचाता है। पांचवा फंक्शन पेप्सिनोजेन इंजाइम को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है या सीएल जो है पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म। अच्छा छठा जो है सिक्स्थ कैरेक्टर जो है प्रोरेनिन को या सीएल रेनिन में बदल चेंज करता है, जो इन ये प्रोरेनिन जो है इनएक्टिव फॉर्म है और रेनिन जो है एक्टिव फॉर्म।